नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गौरव चौधरी के एक और फ्रेश वीडियो में। और आज दोस्तों हम जाने वाले हैं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। हूं फिलहाल अपनी लॉबी में वेट कर रहा हूं लिफ्ट के आने का। और जो बाहर का मौसम है वो है पूरा बादल बादल, बारिश बारिश, बहुत घने घने बादल छाए हैं। आई होप कि आज मैच में बीच में बारिश ना आए। इनफैक्ट मैच नहीं, दोस्तों हम जाने वाले हैं घूमने, करते हैं दोस्तों एक्सप्लोर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को, बिकॉज काफी बड़ा जो है ये स्टेडियम है और इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है। तो लेट्स सी, और करते हैं टूर और देखते हैं कि क्या यहाँ पे खास है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। साइज बहुत ही बड़ा है भाई, यहाँ पे 1 लाख से ऊपर ही कैपेसिटी है। और साथ में दोस्तों जो म्यूजियम है वहाँ पे जाने वाले हैं। लेट्स सी क्या होता है और कौन सी वाली जो लिफ्ट है वो आएगी। इधर इधर इधर, ओके लेट्स गो, एक्सप्लोर करते हैं। और बाकी अभी मैं आपसे बोलता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। मालूम है आइसक्रीम सैंडविच होता क्या है एंड्रॉइड में? इधर देखना, इधर टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम है? एंड सैंडविच तो होता है। और एंड्रॉइड में क्या होता है आइसक्रीम सैंडविच? एंड्रॉइड को यूज़ किया है? उसमें वर्जन है ना एंड्रॉइड का, वर्जन है। क्या बात है, ये जीके जीके सही है यार। एक तो सैंडविच, अच्छा 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 अच्छा, दो तीन नाम एंड्रॉइड वर्जन के। सैंडविच, आइसक्रीम सैंडविच, हाँ एक पता है मुझे, चूस चूसने वाला क्या होगा, लॉलीपॉप, और एक एम से मेलो कुछ, मार्शमेलो, और एम के बाद में एन से, एन मालूम है? अच्छा अच्छा, एंड्रॉइड ओ से क्या बन सकता है, जो लेटेस्ट आया ओ से खाने की मस्त चीज, ओरियो। सही है यार, नॉलेज है बट इतना नहीं है। दोस्तों अभी हम बीच में कहीं पे कैब में हैं, एक फेडरेशन स्क्वायर है साइड में जगह है आई बिलीव ये वाली, इसका पीछे सिग्नल था और वो सामने दिख रहा है एमसीजी, लाइट्स जल रही हैं। तो कुछ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमको नहीं मालूम, हमको लेकिन ये मालूम है कि वो खुला है हमारे लिए और जा सकते हैं बड़े आराम से। और कुछ 75 मिनट का टूर है, 1 घंटे 15 मिनट का, और हर आधे घंटे में टूर होता है और हम 12 बजे वाले तो नहीं पहुँच पाएंगे आई बिलीव। बाकी लेट्स सी, जाके फिलहाल अभी कॉफ़ी का मजा उठा रहे हैं बिकॉज ठंड बहुत थी, होटल से निकले तो कॉफ़ी लेके निकले साथ में। और सामने जो है बारिश हो रही है, हल्की हल्की है नहीं लेकिन हो रही थी, बिकॉज विंडो पे देख लो आपको दिख रहा है छींटे। तो सही जा रहे हैं यार, काफ़ी शांत है। और आज दिन एक्चुअली मंडे है ना, मंडे को तो वो है जो फर्स्ट वर्किंग डे टाइप से हो गया यार, फिर भी सब लोग एकदम शांत है, फिर भी किसी को काम से ही मतलब नहीं है। वो तो क्या बोल रहे हैं कि वीडियोस मेरा भूल एकदम संस्कारी बन जाता है, मतलब आज मैं बोल रहा हूँ लोगों को कि मैं जो वीडियो में देखते हो पर्सनल वो नहीं है, नहीं है वो कैरेक्टर्स हैं। रेस लगा रहे हैं इसके साथ में। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं गेट 3 MCG, और यहीं से वो एंट्रेंस है अगर आप आते हैं एज अ विजिटर इसको घूमने के लिए। और गेट 3 बहुत दूर है सामने, अगर आप देखोगे मैच में समझ नहीं आता कि लोग गाड़ी पार्क कहाँ करते होंगे, बिकॉज पार्किंग यहाँ को दिखी नहीं गई सेटेलाइट व्यू से भी। या तो सब लोग बेसमेंट उतरते हैं, सब लोग पैदल आते होंगे आसपास से, नजदीक है मेट्रो से, ट्राम से, वो भी उतरते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। तेरी सारे भारतीय खड़े हैं आगे मैच क्रिकेट, भारतीय नहीं खड़े सर, भारतीय भूल गए, भारतीय मूल के क्या वो प्रवासी भारतीय लोग, प्रवासी भारतीय वो सब खड़े हैं। और इधर अच्छा कुछ हुआ था यहाँ पे 1956 में मेलबर्न में हो रहा। ये जो है ये हमको साइड से व्यू मिल रहा है और अभी हम छुपा हुआ जो है वो देख रहे हैं MCG या इट्स। और काफ़ी कमाल जगह है यार, आपको इसका साइज़ फील होता है जब आप आते हो उसके बाद में। और इनफैक्ट बस अभी बैठे हैं टूर का वेट कर रहे हैं, हमारे पास में आ चुकी है हमारी टिकट्स जो कि कहाँ पर है, इसके पीछे कहीं पे है बेसिकली। तो अभी वेट ही कर रहे हैं, कॉफ़ी ख़त्म हो गई है और जो टूर था वो 12 बजे का निकल चुका है। अभी 12:30 के आसपास एक टूर जाएगा, टाइम लगता है करीब 75 मिनट घूमने का। और यहाँ पे स्क्रीन में एक टाइम लैप्स चल रहा है कि इसमें कैसे काम चल रहा था, लाइक कैसे बनाया दिन रात करते करते। तो अलग अलग इवेंट्स के लिए इसको चेंज करते हैं कभी कभी, ये फुटबॉल के लिए भी काम में आता है। और काफ़ी बड़ा लग रहा है देखने में यार, अभी ऊपर अगर जाएंगे और वहाँ से जब देखेंगे पूरे का नज़ारा तो वो कमाल होगा। आई होप कि हमारा टूर जल्दी स्टार्ट हो जाए बिकॉज मेरे को इसके बाद में कुछ और काम के लिए भी निकलना है, तो वो हम खत्म करने वाले हैं। और बाकी भुवन को देखते हैं कि यहाँ पे बैट की कोई दुकान तो होगी ना यार, यहाँ पे बैट बॉल खरीदने के लिए जहाँ से एक्सेसरीज या सुविनियर्स, बैट तो स्टेडियम है मिलना चाहिए।
तो हमारा जो टूर है वो रेडी हो गया है और अभी हम सिर्फ दो लोग हैं और चार लोग और हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिलीव। और ये कुछ इसका ऐसा था जो सारा एंट्रेंस है और अभी हम जो हैं वो वेट करने वाले हैं, कुछ पाँच छः लोगों के साथ में मिलकर जाने वाले हैं। टूर 12:15 हो चुके हैं और आएगा मज़ा। चलो लेट्स गो। पिच देखनी थी, पिच पिच तो है ही नहीं, गायब हो गई। नो Some people, the gates open at 5, some people are here at 2:30. अभी पहली बार सामने जा रहे हैं घास की तरफ और ये फिलहाल तो यहाँ पे क्रिकेट का पिच भी नहीं है मालूम है, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैच हुआ था वो हुआ था एक फुटबॉल का, अदरवाइज यहाँ पे पिच होता। लेकिन ये है अभी पूरा नज़ारा और काफ़ी बड़ा है, इनफैक्ट यार बहुत बहुत बड़ा है। मैं आपको दिखाऊँगा चारों तरफ एक बार हम बीच में पहुँचते हैं उसके बाद। एंड एक अलग फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे अगर कोई इंडिया का मैच होता, अभी इंडिया आ रहा है एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया, और उस टाइम पे हम मैच जीते तो यहाँ पे जस्ट इमेजिन कि क्या साइज़ होगा। एंड बारिश हुई है थोड़ी देर पहले तो हल्का हल्का गीला है मैदान यहाँ पे, घास और इनफैक्ट स्टेयर्स वगैरह भी। लेकिन ये है बहुत बड़ा है। कमाल जगह है भाई, कमाल एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे अगर मैच हो, स्टेडियम जैम पैक्ड हो और यहाँ पे नारे लग रहे हो इंडिया इंडिया, तो वो बहुत ही कमाल होगा। अभी भी हालांकि हम दो यहाँ पे इंडियंस हैं इस टूर में और सबको मालूम है कि हमने क्या दम लगाया क्रिकेट की दुनिया में। और भैया सारे स्टैट्स, सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो आप जानते हो कि कितने सारे हैं हमारे पास। और पीछे जो ग्राउंड है वो बहुत बड़ा है यार, बहुत बहुत बड़ा है। और अभी ऊपर जाते हैं किसी और जगह पर, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी 1 घंटे 15 मिनट में। लेकिन ये देखो जो नज़ारा है पूरा का पूरा। और बाकी हम जाने वाले हैं पीछे इसके अंदर कहीं पे। तो अगर कोई प्लेयर अपनी कार लेके आएगा वो सीधे यहाँ से कूद के जा सकता है बाहर, ऐसा देख के लगता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वो जो आपको दिख रहा है ये वाला जो ग्रे सेक्शन है, यही है जो ड्रिंक्स के टाइम पे बाहर जाता है मैदान में सबको खाना खिलाने के लिए। और जो रास्ता है जाने का वो ये है इस रैंप के थ्रू ऊपर, तो यहाँ से जाती हैं ड्रिंक्स। और अभी आई थिंक बेसमेंट 2 जो है वो सबसे नीचे वाले लेवल पे है। जहाँ पे कोई काम नहीं होता। भूल भुलैया है बहुत ज़्यादा, सब बोर सा हो रहा है, इतना कुछ वो नहीं है इंटरेस्टिंग। बट लेट्स सी, ये अभी हम 4th फ्लोर पे हैं यहाँ पे और ये है पीछे का नज़ारा। और सामने जो है मेरे पीछे वो उधर ग्राउंड है। और भुवन को स्पेशल सीख मिली है कि साथ साथ चल, वरना यहाँ पे हर बार जो इंडिया से आते हैं वो 2-3 लोग गायब हो जाते हैं इसमें फोटो के चक्कर में, बिकॉज क्रिकेट जो है इतना प्यारा है हमको भाई, बहुत प्यारा है। पर यहाँ पे यार क्रिकेट की पिच नहीं लगा रखी। हाँ फुटबॉल है यार बीच में, क्रिकेट में जो देख के हम अज्यूम नहीं कर पाएंगे स्टेडियम में कि यहाँ पे क्रिकेट होता है। बेसिकली स्टेडियम तो वो तो मालूम है, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट होता है वो नहीं मालूम। लेकिन यार ये व्यू कमाल है। और इसके ऊपर भी इनफैक्ट यार, इसके ऊपर भी अभी सिटिंग है, लेकिन अभी हम 4th फ्लोर पे और यहाँ से नज़ारा है क्या कमाल। ओह हो बैट बॉल लेके आते हैं, 1 टिप 1 एंड। ये सही है यार व्यूअरशिप। और जब छक्का लग के यहाँ पे आए इस चेयर के ऊपर, जो बंदा था यहाँ पे जो हमको घुमा रहा है वो यूके का है, और वो जो है वो 3 रुपया लगान वसूल करने आया था, लेकिन भुवन ने लास्ट बॉल में छक्का मार के बस वहाँ पे भुवन का स्पॉट था, और जो ओलंपिक में था विनर उसका स्पॉट यहाँ पे, हमारा बना मुश्किल से 2 मीटर, उसका बन गया 8 मीटर। उसके साथ जाऊँ तो फ्रेड, हु इज़ योर फेवरेट इंडियन क्रिकेट प्लेयर? तेंदुलकर। यार टूर कमाल जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा बोरिंग है, बिकॉज बीच बीच कोई चीज़ें इनका वो मतलब नहीं है। मेन तो हम क्योंकि क्रिकेट फॉलो करते हैं इसीलिए, और क्रिकेट के बारे में जानना है। लेकिन वैसे अदरवाइज स्टेडियम बहुत बड़ा है, और बिहाइंड द सीन्स का पूरा सिस्टम की कैसे क्या हो रही है। देखो ये आउटसाइड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल
तो ये पूरा बाहर का सीन है अगर आप देखोगे क्लियरली तो ये ऐसा कुछ। और अभी हम जो है वो अंदर ही घूमते फिरते जा रहे हैं। भुवन हर बार पीछे जा रहे हैं और भुवन को वो बोल रहा है बार बार चलो चलो, उसको हिंदी आती है। जो हमको घुमा रहा है फ्रेड, उसको हिंदी आती है, उसने बहुत बार घुमाया और बोलता है हर बार चलो चलो। और यहाँ पे अपने को मिलेगी नीचे कुछ ना कुछ। ओहो ये देखो ना, ये है फोटो। तो मेन चीज ये है देखने वाली पूरे म्यूजियम में। हमने नीचे से स्टार्ट किया, उसके बाद में बेसमेंट में गए, फिर एक लेवल ऊपर, फिर दो लेवल ऊपर, फिर चार लेवल ऊपर, फिर उसके बाद वापस नीचे, वापस ऊपर। और बार बार हम आके ये जो व्यू है इसको हम देख रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन थोड़ा सा मेरे को इतना मतलब एक्साइटिंग नहीं लग रहा है, बिकॉज आफ्टर ऑल यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की हैं, जो फोटोज़ वगैरह हैं ज़्यादा वो उनकी हैं। इंडिया में अगर वानखेड़े में जाएंगे या फिर ईडन गार्डन्स में जाएंगे तो वो है कमाल चीज़, जहाँ पे हमको हमारी हिस्ट्री देखने को मिलेगी। यहाँ पे ग्राउंड बड़ा है ऑब्वियसली, सबसे बड़ा स्टेडियम है दुनिया का। सेकेंड नंबर पर आता है अपना ईडन गार्डन जो कि है कोलकाता में, उसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ही एक अलग माहौल होता है कोलकाता में। क्योंकि मेलबर्न का अपना अलग पूरा सीन है, लेकिन इतना एक्साइटिंग मुझे नहीं लग रहा है बिकॉज़ पता नहीं क्यों यार। और ये है नीचे भी, इसको कन्वर्ट किया हुआ था फुटबॉल में, आपको कोई भी क्रिकेट का पिच बीच में दिख नहीं रहा है। ये हमारा छोटा सा ग्रुप जहाँ पे हम कुछ 5-6 लोग हैं। ये वही बैट है जिससे धोनी ने वर्ल्ड कप 2011 में छक्का लगाया था, जो इन्होंने यहाँ पे सजा के रखा है बिकॉज ऑस्ट्रेलिया वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया था, इंडिया ने बाहर कर दिया था क्वार्टर फाइनल में। और ये वो बैट है जिससे हमारी मम्मियाँ कपड़े धोती है। ये आ गया वापस से बेस ग्राउंड लेवल पे, ऑल डन, सब कुछ ख़त्म, खेल ख़त्म, पैसा हजम, छक्के लग गए, चौके लग गए, मैच खत्म हो गया पूरा का पूरा। और एंट्री एग्जिट दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अभी खाली पड़ा है पूरा का पूरा। और वापस से ख़त्म टूर, और हम आ गए बाहर। और बाहर आ गए हैं का मतलब ये है कि बाहर बारिश हो रही थी यार अभी तो। इंडिया का स्टेडियम इससे अगर आधी कैपेसिटी का भी होगा और अगर मैच चल रहा होगा तो उस टाइम पे ये यहाँ पे वो होता है कि जो लोग शॉट देख के ताली बजाते हैं केवल। ईडन गार्डन्स, हाँ ईडन गार्डन्स के देखो जोश कितना होता है, फिरोजशाह कोटला दिल्ली का, उसके अलावा मुंबई का वानखेड़े वगैरह जो है, तो वहाँ पे एक्चुअल जो होता है वो गर्म खून हमारे इंडियंस का। यहाँ पे इट्स लाइक कि वो शॉट देखेंगे अच्छा गया तो एक बार तीर से क्लैप कर देंगे और बस ठीक है हो गया, वो इंग्लैंड वालों की तरह। तो वो है पूरा सीन। और अभी यार मौसम पूरा का पूरा एकदम घनघोर घटाया चाहिए ऊपर, कि देखो बादल बहुत ज़्यादा एकदम पूरे बारिश वाले हैं। और यहाँ पे इसलिए मैच भी इतने नहीं होते ज़्यादा, क्योंकि अक्सर होते हैं तो बारिश हो जाती है बीच में, तो सीज़न बहुत लिमिटेड है यहाँ पे क्रिकेट को लेके। ठंड के बारे जवान नहीं निकल रही है, जवान भी चल रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सलाह सुझाव हो तो मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो लेकर शेयर नहीं किया तो लाइक बटन शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको रोजाना ऐसी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल इतना है दोस्तों, इधर से मिल रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।